गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हाउस HECP करेंगे, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, डी फार्मेसी का हमारा सब्जेक्ट है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम इसमें फर्स्ट एड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट एड क्या होता है? फर्स्ट एड हम जैसे आप फार्मासिस्ट बनने जा रहे हो तो फार्मासिस्ट में आपके लिए ये इसका होना, नॉलेज होना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, फर्स्ट एड का मतलब होता है जैसे कि हम किसी बीमार या एक्सीडेंटल पर्सन को कोई उसको बचाने के लिए आप जो कोशिश कर रहे हो, जो उपचार दे रहे हो, उसको हम हॉस्पिटल में ले जाने से पहले उसको हम बोलते हैं फर्स्ट एड। ठीक है, फर्स्ट एड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। फर्स्ट एड इज़ लाइक अ मेडिसिन बोथ एन आर्ट एंड अ साइंस। द इमीडिएट एंड अ टेम्परेरी ट्रीटमेंट गिवन टू द पर्सन हु सफर एन एक्सीडेंट और एनी सडन इलनेस बिफोर द मेडिकल हेल्प अवेलेबल इज कॉल्ड अ फर्स्ट एड। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट एड कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द इमीडिएट एंड टेम्परेरी केयर गिवन टू एन इंजर्ड और सिक पर्सन अंटिल द सर्विस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर आर ऑब्टेन्ड। मतलब आप इमीडिएट और टेम्परेरी एक ट्रीटमेंट देने जा रहे हो, जिसका कोई मान लो रास्ते में एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, उसमें रास्ते में खून वगैरह निकल रहा है, तो उसको आप पहले क्या करेंगे, उसको पट्टी बांधेंगे, उसको खून रोकने की जो प्रोसेस है वो करेंगे, पट्टी वगैरह बांधेंगे और उसको आगे डॉक्टर को ले जाने से पहले। ठीक है, उसी का ये एग्जांपल दिया गया है फर्स्ट एड। ठीक है, आगे प्रॉपर एंड इमीडिएट केयर इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी टू सेव अ लाइफ एंड मिटिगेट द सफरिंग। जनरल इस मार्च 1823 एंड 9 years old वॉज द फेमस जर्मन सर्जन हु वॉज द फर्स्ट कंसीव्ड इन द आइडिया ऑफ द फर्स्ट एड। ठीक है, एंड इन 1877 टू जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड वॉज फॉर्म। मतलब 1877 में जॉन ने एम्बुलेंस को इस्टेब्लिश किया था इंग्लैंड में, और 1920 में रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश। ठीक है, तो दिस इज़ एन एज व्हेन टेक्नोलॉजी हैज़ बीन प्रोड्यूस कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी एंड स्विफ्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके, इम्पोर्टेंस क्या है फर्स्ट एड की? To give the efficient first aid, one should have a good knowledge of human anatomy and physiology of the human body and common sense and experience. मतलब जिसको थोड़ा बहुत कॉमन एक्सपीरियंस हो, उसको पता हो आँखें हैं, नोज़ हैं। ठीक है, इसको जैसे कि स्नेक बाइट कर जाता है तो उसको कैसे फर्स्ट एड दिया जाता है, कहाँ बांधा जाएगा अगर उसको स्नेक काट ले। ठीक है, और तो उसकी पॉइजनिंग को रोकने के लिए उसको मारा मारती नॉलेज होनी जरूरी नेसेसरी है। ठीक है स्टूडेंट, इसका ऑब्जेक्टिव ये है, द इमीडिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड एट अ गिवन सिचुएशन इज टू सेव द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल। इट इज़ द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट टू रिड्यूस पेन एंड प्रिवेंट फर्दरी इंजरी और कॉम्प्लिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड हो जाएगा, मतलब आसान भाषा में है, फर्स्ट एड शुड हेल्प अवॉइड फर्दर इंजरी, इट शुड करेक्ट सिचुएशन विच टेंड टू इंक्रीज द ओरिजिनल इंजरी। द फर्स्ट एड शुड फॉर्म अ बेसिस ऑफ सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट बाय द डॉक्टर और द हॉस्पिटल स्टाफ। इट कैन बी डन बाय द सप्लाइंग डिटेल ऑफ एक्सीडेंट इंजरी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट गिवन। द अल्टीमेट एम ऑफ फर्स्ट एड इज प्रिवेंट डिसेबिलिटी एंड डेथ। ठीक है स्टूडेंट, आगे हमारा फर्स्ट एड किट के साथ इमरजेंसी इक्विपमेंट्स क्या क्या चाहिए। मतलब जो किसी के पास फर्स्ट एड है
जैसे हम आजकल कोई भी न्यू व्हीकल ख़रीदते हैं या न्यू व्हीकल परचेज करते हैं तो जो कंपनी के द्वारा फर्स्ट एड किट दी जाती है, थोड़ा बहुत उसमें कुछ ना कुछ होता है, जैसे कि उसको इजी किया जाए, ठीक है, टू मेक योर जॉब इजी एंड शुड बी वेल इक्विप्ड एट होम, स्कूल, बसेस, फैक्ट्रीज एंड कार, देयर शुड बी फर्स्ट एड किट और बैग कैप्ट रेडी फॉर एमरजेंसी। इन फैक्ट कंटेंट ऑफ द फर्स्ट एड किट विल वेरी अकॉर्डिंग द ड्यूटीज टू परफॉर्म एंड द स्पेशल नीड्स ऑफ द शिंग। फर्स्ट एड किट जो फर्स्ट है उसमें क्या क्या आएगा, उसमें ड्रेसिंग्स होंगी, मतलब उसमें पट्टियाँ होंगी, ठीक है, ट्राइंगल बैंडेज होगी, बैंडेज की शेप्स होगी ट्राइंगल होगी, रोलर बैंड होगा, बैंडेजेस होगी, कॉटन वगैरह होगी, ठीक है, ए सेट ऑफ लार्ज सेफ्टी पिंस होंगे एंड ए पेयर ऑफ सीजर, कैंचियाँ होंगी मतलब कट्टन ली, ठीक है, जो हम कैंची बोल देते हैं, एंड डिसेक्टिंग फॉर्सेप्स, ग्रेजुएट मेडिसिन ग्लास, टॉर्च, एक केक ऑफ सोप, ठीक है, उसके बाद से सोप होगी, स्मॉल नोटबुक एंड पेंसिल, उसके पास एक छोटी सी मतलब पेंसिल या नोटबुक होनी चाहिए, ग्लूकोज, स्वीट्स, लंप ऑफ शुगर एंड स्मेलिंग सॉल्ट्स, एंड कौन कौन सा सामान होना चाहिए, स्टेथोस्कोप होना चाहिए, ECG मशीन, BP ऑपरेटर्स, कार्डिक मॉनिटर, ENT इंस्ट्रूमेंट्स एंड वेइंग मशीन, थर्मामीटर, नेबोलाइजर एंड पल्स ऑक्सीमीटर दिया जाता है, ठीक है, नी हमर, ठीक है, पल्स ऑक्सीमीटर आपको पता ही है आजकल तो वैसे कॉमन ही हो गया है, ऑक्सीमीटर ऑक्सीजन का लेवल चेक करने के लिए जो आता है, स्टर्निंग सेट, कट ओपन सेट एंड कैथेराइजेशन सेट, ग्रेसिव सेट, ठीक है, ऑल द इंस्ट्रूमेंट शैल बी प्रॉपरली स्टरलाइज एंड क्यूब एंड शैल बी चेक फ्रिक्वेंटली, द स्टाफ नर्स मस्ट नो फंक्शनिंग ऑफ ऑल इक्विपमेंट एज दे मे आस्क टू ऑपरेट समवन विद देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ठीक है, हमारा आगे है अनकॉन्शियस, ठीक है, अनकॉन्शियस इज द सीरियस स्टेज, सो द पेशेंट कंडीशन में कॉज एनजाइटी एंड वरी टू द फर्स्ट एड, ठीक है, एंड एफिशिएंट एक्शन विच सिक्योर अ गुड एयर वे एंड रिमूव एनी ऑब्स्ट्रक्शन सच एज ब्लड वॉमिट मे प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन एंड सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट। द प्राइमरी कॉज ऑफ द पेशेंट बिकम अनकॉन्शियस इज द इमीडिएट रिजल्ट of any injury or disease affecting the central nervous system. In psychogenic history, for the patient not are truly unconscious but appear unconscious. ठीक है स्टूडेंट्स, अनकॉन्शियस बेहोशी का होता है, जैसे कि उसको जो पेशेंट को गुड एयर वे देना होगा और जो ऑब्स्ट्रक्शन अच्छा है ब्लड वॉमिटिंग वगैरह उसको प्रिवेंशन करनी होगी, ठीक है, आगे इसके लेवल्स हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इज नोटेड द टाइम If there is any change in the level of consciousness, this must be noted and the time reported. And one to other, there may be slow or rapid movement from one level to another. And all these are significant in stabilizing the significations of the patient. ओके है लूसिड, लूसिड क्या है, पेशेंट कोऑपरेटिव एंड कॉन्शियस, जो उसका कॉन्शियस होगा लूसिड में, कन्फ्यूजन द डिसऑर्गेनाइज्ड बट विल ओबे कमांड्स, उस जो पेशेंट है उसकी जो कमांड्स है उसको वो फॉलो करेगा बट डिसऑर्गेनाइज्ड में, सेमी कोमा में द पेशेंट विल ओनली रिएक्ट पेनफुल स्टिमुलाई बट नॉट अ वॉइस कमांड एंड अनकॉन्शियस कॉमा, देयर इज़ अ नो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई डीपली अनकॉन्शियस, कॉमा क्या है, अगर इसमें जो बॉडी है मतलब जो ह्यूमन है, ह्यूमन बॉडी का जो पर्सन है, ठीक है, वो बिल्कुल ही रिस्पॉन्स नहीं करेगा और डीपली अनकॉन्शियस रहेगा। ग्लास गो कॉमा स्केल, द स्केल इज वाइडली एक्सेप्टेड इन हॉस्पिटल एंड इजिली understood description of the level of consciousness.
ठीक है स्टूडेंट, आगे है रेस्पिरेशन। द ब्रीदिंग मे बी क्विक शैलो एंड स्ट्रेटरियस और इरेगुलर। आइज़ के एग्जामिन करेंगे, उसका जो पिपल मतलब आइज़ का पिपल रिएक्शन लाइट पावांगे तो ऑलवेज ग्रेट वैल्यू सेबलाइज द डायग्नोज। एंड जो पिपल साइज है स्मॉल रहे कॉन्ट्रैक्ट रहेगा और लार्ज में डायलेटेड दे मे बी इक्वल और अनइक्वल। एंड द पल्स रेट मस्ट बी नोटेड, ए रैपिड पल्स अकर इन शॉक एंड फैंटिंग कोलैप्स एंड समटाइम्स कन्फ्यूजन ऑफ द ब्रेन। एंड ऑर्डर ऑफ ब्रीथ, द ऑर्डर ऑफ ब्रीथ शुड बी केयरफुली नोटेड, इट मे बी सप्लाई क्लू एंड केयर ऑफ पॉइजन। द स्मेल ऑफ अल्कोहल शुड बी नोटेड बट डज नॉट ऑलवेज इंडिकेट अ डायग्नोज ऑफ डार्कनेस। पेशेंट में भी अनकॉन्शियस, ठीक है। आगे हमारे रीजंस दिए गए हैं, इसमें सी रहेगा सर्बो सेरिब्रो वास्कुलर एक्सीडेंट, पेट्सा डायबिटीज एक्यूट इन्फेक्शन एंड टॉक्सिक स्टेट्स एंड ड्राउनिंग। ड्राउनिंग इज द ड्राउनिंग मतलब जब पर्सन डूब जाता है तो उसमें हम कैसे उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं और कैसे वो उसके लंग में अभी इसको हट कर सकते हैं। ड्राउनिंग इज द रिजल्ट ऑफ कंप्लीट इमर्स ऑफ द नोज एंड माउथ इन वाटर, ठीक है। जो इंसान ड्राउनिंग फील हो जाता है तो उसके जो नोज़ है उस नोज़ में पानी चला जाता है, ठीक है। वाटर एंटर इन द विंड पाइप ऑफ एंड लंग, जो पानी अपने विंड पाइप से चला जाएगा एंड लंग्स के बीच। एंड क्लोजिंग द लंग्स कंप्लीटिंग, लंग्स बिल्कुल ही क्लोजिंग हो जाएंगे। दे गेट कैजुअली ऑन ड्राई लैंड विद मिनिमम डेंजर टू योरसेल्फ। ट्रीटमेंट क्या रहेगा, चूज द सेफेस्ट वे रेस्क्यू द कैजुअलिटी, ठीक है। एंड इफ पॉसिबल स्टे ऑन लैंड एंड ईच विद योर हैंड स्टिक और ब्रांच और थ्रो अ रोप फ्लोट, ठीक है। स्विम टू द कैजुअलिटी एंड टो हिम ओनली इफ यू हैव अ ट्रेंड लाइफ सेवर, इफ कैजुअली अनकॉन्शियस इट्स सेफर और वेट इफ यू कैन देन टू स्विम इट। एंड द एम ऑफ फर्स्ट एड इज ड्रॉ आउट वाटर फ्रॉम लंग्स एंड गिव द आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। हमारा जो पहला ही एम होगा वो पानी को बाहर निकालना होगा, बाहर निकालने के बाद उसको आर्टिफिशियल सांस देनी होगी। टर्न द विक्टम फेस डाउन विद द हेड टू वन साइड आर्म एंड स्टड बिहाइंड इज हेड। इन्फेंट्स और चिल्ड्रन कुड बी हेल्ड अपसाइड डाउन और शॉर्ट पीरियड। रेज द मिडल पार्ट ऑफ द बॉडी विद योर हैंड राउंड इन द बेली, दिस इज टू कॉज वाटर टू ड्रा आउट ऑफ द लंग एंड गिव द आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन अंटिल ब्रीदिंग कम बैक टू नॉर्मल। दिस मे हैव टू गो ऑन एज फॉर एज लॉन्ग एज टू आवर, ठीक है। इसमें ड्राउनिंग में हमने डूब जाने के लिए जो उसका ट्रीटमेंट है ऐसे होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। बिल्कुल ही नॉर्मल और आसान भाषा में है और इसमें अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप उसे पूछ सकते हो। आगे है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट आर इंक्रीजिंग इन नंबर एंड इन सिवियरिटी विद द डेवलपमेंट ऑफ हाई स्पीड मोटरवेज, ठीक है। मतलब आजकल आपने देखा ज़्यादा नंबर ऑफ मोटरवेज बढ़ रही हैं तो उन्ना करके रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट ज़्यादा हो गए। मल्टीपल कोलिजन्स हो रहे हैं एंड डेवलपमेंट ऑफ बिकमिंग मोर कॉमन पर्टिकुलर इन टाइम्स रिड्यूस द विजिबिलिटी फॉग और टेंशन रेंज।
मतलब जब हमें एक्सीडेंटल होने के चांसेस कब होते हैं, जब हमको आगे दिखना बंद हो जाता है। ज़्यादातर सर्दियों में धुंध पड़ती है, फॉग ढलती है, फॉग पैंदी है, तो अभी रिस्क ऑफ एक्सीडेंट बढ़ जाते हैं, ठीक है। और बारिश ज़्यादा हवा चलने के बाद बारिश पैंदी है, तो अगर हमें दिखाई नहीं देता, विज़न क्लियर नहीं है, तभी भी हमें एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड कार्स रैपिडली लूज कंट्रोल एंड स्किडिंग ऑन स्मूथ सर्विस सच एज आइस एंड एडिकेटिंग ऑन वाटर, ठीक है। व्हेन आर कन्फ्रंटेड विद द रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट यू मस्ट फर्स्ट केयरफुली असेस सिचुएशन टू मेक श्योर दैट यू एंड यूअर कार आर विजिबल एंड नॉट आ रिस्क ऑफ बिगन हिट अनदर व्हीकल। Pull well away from the traffic stream if possible, as many of Samaritans have been killed or severely injured. आगे हमारा है फायर। फायर स्प्रेड वेरी क्विकली सो वार्म एनी पीपल एट रिस्क एंड अलर्ट द फायर सर्विस immediately without putting yourself at risk and do your best to help everyone. If a fire occur in building or house, shut the door behind you and look for the notice giving the location of the fire exits and assembly points. And fire needs these components to start and it to keep it going. They are electric spark or magnet, a source of fuel such as petrol, wood or fabrics and oxygen. Remove any one of these and you break this triangle of fire. For example, switch off electricity, remove the combustible material and shut door on fire. मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आग लगने के चांसेस कब बढ़ते हैं, जैसे कि हम कॉमन घरों में देखते ही हैं, जैसे कोई किचन में कुकिंग कर रहा है, ठीक है, तो आपकी मदर कुकिंग करने के बाद गैस बंद करना भूल गई और उसे ऐसे ही चलता रहा सुबह तक, और सुबह तक अगर आप जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठते हो तो स्विच को ऑन करेंगे तो वो थोड़ा सा स्पार्क करेगा, ठीक है, तो वो आग लग जाएगी, तो इससे दिक्कत में फायर लगने के चांसेस होते हैं। एंड उसका ट्रीटमेंट क्या है, द केबल मस्ट बी प्रिवेंट फ्रॉम द पैनिकिंग एंड रशिंग आउटसाइड, एनी मूवमेंट और ब्रीज विल फैन द फ्लेम्स, ठीक है, क्विकली ले द कैजुअल्टी डाउन द बर्निंग अपर मोस्ट एंड पुट ऑफ द फ्लेम्स बाय डोजिंग द विक्टम विद वाटर एंड अदर नॉन इनफ्लेमेबल लिक्विड। रैप द कैजुअल्टी टाइटली इन कोट, कर्टन, ब्लैंकेट, रग और अदर हैवी फैब्रिक्स एंड देन ले हिम ऑन द ग्राउंड, दिस स्टार्व्स ऑफ द फ्लेम ऑफ ऑक्सीजन एंड पुट देम आउट, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा फायर है, बिल्कुल ही ईजी है, कोई इसमें ज़्यादा नहीं है, ज़्यादातर तो इसमें जो क्वेश्चन हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसमें आएगा, राइट डाउन द नोट ऑन पॉइजनिंग और स्नेक, राइट डाउन द स्नेक बाइट, ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन आएंगे, फर्स्ट एयर विद द डिवाइन फर्स्ट एयर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे कॉमनली क्वेश्चन हैं। बंज आपको पता ही है, बंज हमारे जल जाता है, ठीक है, जलने के बाद हम उसको बंज बोलते हैं, ठीक है, उसका भी दिया है। पॉइजनिंग, पॉइजनिंग एक हार्मफुल सब्सटेंस है विच व्हेन टेकन इनटू द बॉडी इन लार्ज क्वांटिटी कैन डैमेज द ऑर्गन और डाइजेशन। मतलब ज़्यादा जैसे कि किसी ने पॉइजन ले ली इन एक्सीडेंटली और या आपने खुद ही ले ली, ठीक है, तो उसका जो ऑर्गन को डैमेज कर देगा और डाइजेशन को भी खराब कर देगा, ठीक है। इट ऑब्जॉर्ब इन द ब्लड में इफेक्ट द वाइटल ऑर्गन कॉजेज हार्मफुल एक्शन इन द ह्यूमन बॉडी। जो हमारे वाइटल ऑर्गन हैं जैसे किडनी हो गई, लीवर हो गया, उनको वो खत्म कर देगा, ठीक है। एंड इंजरिंग हेल्थ इवन द कॉजिंग डेथ।
जो उसकी कॉज उसको देने के बाद उसकी डेथ हो जाएगी। द मेजोरिटी ऑफ मेडिसिन इफ यू टेकन एक्सेसिव डोजेज एक्ट एज अ पॉइजन एंड पॉइजन एंटर द बॉडी थ्रू द माउथ ड्यू टू ईटिंग और ड्रिंकिंग पॉइजनस सब्सटेंस इट मे एंटर थ्रू लंग्स बाय द इनहेलिंग हाउस होल्ड और इंडस्ट्रियल गैसेज इट मे एंटर द बॉडी बाय इंजेक्शन इनटू द स्किन एज रिजल्ट ऑफ बाइट्स एंड स्टिंग्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे कॉजेज कैसे हैं, जैसे कि एक्सीडेंटल में पॉइजनिंग ड्यू टू कंटेमिनेटेड फूड पॉइजनिंग हो जाती है, फंजी वगैरह तो ओवर डोजेज स्लीपिंग पिल्स लेने के कारण हो जाता है, जैसे कि अल्प्रेक्स ज़्यादा खाने के बाद पॉइजनिंग आई थी। ठीक है, सुसाइडल पॉइजनिंग है ना, पर्सन इंजेस्ट हार्मफुल सब्सटेंस विद द पर्पज ऑफ कमिट सुसाइड। ओके, मतलब किसी पर्सन ने सुसाइड करना तो भी जहर खा ली तो भी उसको सुसाइड भी करें। होमोसाइडल कैसे, इसमें भी आदमी इंटर इंटरनेशनली फॉर किलिंग द एनिमीज। ठीक है, एंड सोर्सेज क्या हैं, सॉल्ट पॉइजनिंग, इनहेल्ड पॉइजन, इंजेक्शन पॉइजनिंग एंड हॉय सॉल्ट पॉइजनिंग। ठीक है, ये आप लोगों ने इसको रीड करना है और याद करना है, आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट इनटू पॉइजनिंग, यहाँ तक आप इसको रीड करो और याद करो, अगर कोई कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं आप लोगों को बता दूँगा। ठीक है, एंड गुड डे एंड बाय, स्टे सेफ एंड स्टे होम।